हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार था इस लेक्चर का, हम लेकर के आए हैं। और आज का दिन यूपीएससी के जो तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए काफी खास दिन था। आप लोग जानते हैं कि आज बजट भी प्रस्तुत किया गया, तो उसके साथ में आप लोगों ने काफी समय बिताया होगा। इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, और ऊपर से यूपीएससी की बहुत सारी आईएएस की वैकेंसी है वो आई है, बम्पर वैकेंसी हम बोल सकते हैं इस बार जो आई है, लगभग में 7-8 साल के बाद इतनी ज्यादा वैकेंसी आई है। सब कुछ बताएंगे अगर आप लोग इस बार पेपर दे रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण है। आप लोगों ने कितनी बार भी वीडियो देखी हो, यूट्यूब पर कितनी भी वीडियो देखी हो, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन आया है, आप लोग देख सकते हैं, लगभग में जो 150 पेज पर नोटिफिकेशन दिया जाता है, ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसका हम समरी देने वाले हैं, ये आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा इसका समरी बताएंगे, A to Z यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे डेट डेट वेट तो हर कोई बताता है, वैसे हम भी आप लोगों को बताएंगे कि सारी डेटों के बारे में बताएंगे। और जैसे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कहाँ पर जाकर के हेल्प ले सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा एज क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, कौन से लोग हैं पेपर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, A to Z दुनिया भर की इस वीडियो को देखने के बाद हम लिख करके दे सकते हैं कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहने वाला। देखिए, वैसे 1 बजे नोटिफिकेशन आ गया था, कुछ लोगों ने दे भी दिया होगा, हम 4-5 घंटे के बाद इसीलिए दिए हैं क्योंकि हर एक जानकारी दे पाए। तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अभी हम पढ़े हैं, फिर समरी बनाए और हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की वैल्यूएबल जो कंटेंट होता है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है वैकेंसी। अरे वाह वाह, मजा आ गया वैकेंसी देख करके। आप लोग देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 1105 वैकेंसी है वो आई है, और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 1105 और प्लस 150 वैकेंसी है वो IFS की आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका भी एग्जाम आप लोग जानते हैं प्रीलिम्स के साथ में होता है, मेंस अलग अलग होता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 150 वैकेंसी, ये भी मिल करके 1255 वैकेंसी ये हो जाती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2014, 2014 के बाद से लगातार वैकेंसी कम होती चली गई, और देख सकते हैं कि 700-800 के बीच में वैकेंसी आती थी, और हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, देख करके बहुत ही दुख होता था। लेकिन इस बार आप लोग देख सकते हैं कि लगभग में 1105 वैकेंसी के करीब में आई है, दिल खुश हो गया देख करके। तो एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करिए आप लोग, और एकदम सिलेक्शन लेकर के घर वालों को खुशखबरी दीजिए और आरजे सर को भी खुशखबरी दीजिए, सब कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर ये नोटिफिकेशन बात करें, एक बार आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, एक बार मैं वीडियो भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। चलिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब देखिए, मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए नोटिफिकेशन, इस बार इंग्लिश का नोटिफिकेशन पता नहीं यूपीएससी ने क्यों नहीं दिया, वैसे हर बार देती है, हो सकता है इंग्लिश का बाद में ट्रांसलेट करके बाद में दे, क्योंकि 1 बजे आज ही ये नोटिफिकेशन आया, तो हो सकता है हिंदी वाला बाद में अपलोड हो, मुझे हिंदी वाला नहीं मिला था। अगर मिल गया हो आप लोगों को तो आप लोग सेंड कर दीजिए, या फिर बाद में अगर अपलोड होगा साइट पर तो मैं अभी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अभी इंग्लिश हिंदी वाला नहीं मिला है, पता नहीं क्यों, या मुझे नहीं मिला या अभी है ही नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितने पेजेस है, एक लगभग में 160 पेज में दिया रखा है, हर एक चीज बताएंगे। वैसे अगर आपका कोई भी डाउट है दुनिया भर का, आप अगर ये जो एप्लीकेशन है, नोटिफिकेशन अगर आप इसको पढ़ लेंगे, आपके दुनिया भर के डाउट दूर हो जाएंगे। आप दूसरों से जाकर के फोन करके पूछते हैं और चीजें पूछते हैं, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर एक चीज का इसमें सोल्यूशन दिया रखा है अगर आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो। वैसे मैं इस पूरे का देखिए, आप इतना पढ़ेंगे तो बहुत समय आ जाएगा, लग जाएगा, और बहुत सी चीजें आप इसमें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि साइंटिफिक चीजें होती हैं, कुछ अजीब सी चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी पढ़ने के बाद में, तो हम है ना। तो पूरे का पूरा मैंने समरी बनाया, पूरे के पूरी 160 पेज का समरी बनाया। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने बोर्ड पर, हर चीज अब यहाँ पर भी ला ला करके हम फिर से दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो देखिए कैंडिडेट है उसके बारे में स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर बताया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, और इसी सिक्वेंस में लगभग में मैंने बताया है। देखिए OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में भी हम आप लोगों के लिए बता देंगे, और देखिए यहाँ पर कैसे आपको OTR जो प्रोफाइल है वो बनानी है। ओके, तो ये सारी चीजें देखिए हम आप लोगों को बता देंगे, परेशान नहीं होना है एकदम। चलिए चलते हैं, तो इतना मेहनत किए हैं तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में, बार बार यहाँ पर नहीं बताएंगे। सबसे पहले आते हैं वैकेंसी के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोले कि अरे गजोधर बहुत बम्पर वैकेंसी आई है इस बार, और जैसे ही देखते हैं अरे वैकेंसी आई, चलो फॉर्म डाल देते हैं कि कुछ पता नहीं कि सिलेबस कैसा है कि क्या सुना है, तो भी फॉर्म डाल देते हैं। तो आप लोगों ने देखने को मिलेगा कि यूपीएससी में जो फॉर्म पढ़ने वालों की संख्या है, लगभग में 11 से 12 लाख फॉर्म है वो यूपीएससी में पढ़ते हैं, लेकिन
पीटी का एग्जाम कितने लोग देते हैं, लगभग मैं आप लोगों को 50% लोग हैं, 4 से 5 लाख लोग हैं वो प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, और उसमें से कितने मेंस देते हैं वो भी आज आपको बताएं, कितने गुना मेंस में लिए जाते हैं, कितने गुना इंटरव्यू में लिए जाते हैं वो भी आज आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा। ओके, तो देखिए अगर हम देखिए यहाँ पर वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 1105 वैकेंसी है वो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा कि 150 वैकेंसी है वो IFS के देखने को मिलेगी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस है। ओके, और आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए वैकेंसी कितनी है, 1105 वैकेंसी है, दिल खुश हो गया देख करके। लेकिन ये 1105 वैकेंसी सिर्फ IAS की नहीं है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सिर्फ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि ये जो 1105 वैकेंसी आई है ये आपको टोटल 24 पोस्टें होती हैं उनकी मिलाकर के इतनी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो ये 24 पोस्टें होती है ना, इन 24 पोस्टों में टॉप पर IAS होता है, IPS होता है, IFS होता है। देखिए ये IFS है, ये आपको जो फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश वाली जो सेवा है वो वाली आपको देखने को मिलेगी। ओके, और देखिए आप लोगों के लिए एक चीज और बता देते हैं, देखिए जो IAS होता है, IPS होता है, और जो IFS जो फॉरेस्ट सर्विस यानी कि ये वन वाला जो होता है, इन तीनों को जब आपस में मिला देते हैं तब यही बन जाता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, IAS, IPS और IFS। IFS कौन सी वाली, हमारी जो वन वाली है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेन सर्विस है वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए इन 24 पोस्टों में कौन कौन सी पोस्टें हैं, चलिए वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, IAS आता है, इसके अलावा IFS आता है, IPS आता है, और ग्रुप ए की बहुत सारी वैकेंसी है वो आती है। इसके अलावा ग्रुप बी की भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसी है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की बहुत सारी वैकेंसी है जो इसके अंतर्गत आती है। तो ये मिलाकर के ओवरऑल 24 पोस्टें होती हैं। ये 24 पोस्टें कितनी आई हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1105 आई हैं। तो आप सोचते होंगे यार ये तो क्या हो गया यार, ना इंसाफी होगी, हम तो सोचे कि देखिए आप लोग बहुत से लोग कहते हैं हम IAS का पेपर दे रहे हैं, तो IAS का पेपर दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है केवल वो IAS का पेपर देते हैं, बल्कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी पोस्ट मिल जाता है वो ले लेते हैं, देखते हैं प्रायोरिटी की IAS को देते हैं। बहुत सारे लोग हैं IPS को भी प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं वो पुलिस में भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो लोग भी IPS भी कुछ लोग चूज करते हैं। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पर ईयर, ये भी दिमाग में आ सकता है कि पर ईयर आखिर IAS कितने बनते हैं, चलिए ये भी बता देते हैं आपको, क्योंकि हर चीज आज आपको जानकारी देंगे। तो देखिए पर ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा IAS है वो लगभग में 180 लोग हैं वो IAS बनते हैं, इसमें सभी कैटेगरी के आते हैं 180 लोग, यानी कि 180 लोगों को मौका मिलता है हर साल IAS बनने का। इसी तरह से जो IPS है वो 150 लोगों को मौका मिलता है IPS बनने का, ये थोड़ी सी कम ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा IFS है 32 लोगों को लगभग में मौका मिलता है प्रत्येक साल IFS बनने का, ये थोड़ी सी कम ज्यादा होती रहती है, तो परेशान नहीं होना है। देखिए ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आप लोग सोच सकते हैं 180 सीटें हैं और ये लगभग में 180 सीटें होती है, ये कुछ कम ज्यादा हो जाती है हर साल। तो 180 सीटों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर कैटेगरी, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जर्नल है, EWS है, OBS है, जो OBS नहीं, जो अदर बैकवर्ड क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो OBS आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो भी SC ST वर्ग और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं सब इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। ओके, देखिए ये चीजें आप लोग देखने को मिलेगी। अच्छा ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा IAS बनने के लिए कितनी रैंक लानी पड़ती है, वो भी चलिए बता देते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए आप, क्योंकि ये वीडियो है ना ये आपकी पूरी जर्नी में हेल्प करने वाली है, और इस वीडियो को देखने के बाद IAS को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ये लिख करके हम दे सकते हैं। तो देखिए आप लोग देखने को मिलेगा IAS बनने के लिए कितनी रैंक आनी चाहिए, तो ये लिख सकते हैं आप लोग, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों की जो रैंक है वो 90 से कम रैंक होनी चाहिए, आपकी रैंक है वो कितनी से कम होनी चाहिए, 90 से कम रैंक होनी चाहिए, तो आपको IAS बनने का मौका मिल जाता है। अगर इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा अदर बैकवर्ड क्लास में अगर आप आते हैं, यहाँ पर S नहीं C होगा सॉरी, जो अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास और साथ में EWS भी अब आ गया है, तो EWS भी आप लोग लिख लीजिएगा, तो 300 से कम आपकी रैंक होनी चाहिए, 300 से कम आपकी रैंक होनी चाहिए तो आपको IAS बनने का मौका मिल सकता है, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास जो OBC है उसमें आते हैं या फिर EWS में आप लोग आते हैं। ओके, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो
जो रैंक है वो 450 से अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप लोगों को मौका मिलेगा आईएएस बनने का। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए शॉर्ट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। आज हर एक चीज आप लोगों के लिए बताएंगे। चलिए हम बात बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने की। तो देखिए फॉर्म की जो डेट है वो आ गई है फरवरी में। 1 फरवरी से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए आज से यानी कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जा करके जल्दी से जल्दी भर दीजिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए डेट है वो 1 फरवरी से ये जो फॉर्म है वो फिल होने लगे हैं। 1 फरवरी 2023 से लास्ट डेट कब है तो 21 फरवरी, यानी कि इसी महीने में, अगले महीने में। कुछ लोग सोच लेंगे नहीं, इसी महीने में 21 तारीख जो है इसी के अंदर अंदर आप लोगों के लिए फॉर्म भर देना है। 21 तारीख का वेट क्यों करना है, अभी जाइए, दौड़ते हुए जाइए और भर दीजिए, जाकर के अप्लाई कर देना है। ओके जा करके। इसके अलावा देखिए करेक्शन का टाइम भी मिलेगा। कुछ लोग होते हैं वो टिकटॉक में बिजी रहते हैं, उधर फॉर्म किसी और से भरवाते रहते हैं, उन लोगों के लिए इधर है कि भैया जा करके करेक्शन भी करा लो। लेकिन करेक्शन है देखिए यहाँ पर 21 तारीख है, 21 फरवरी को ये एंड हो रहा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तुरंत दूसरे दिन से करेक्शन है जो वो होने लगेगा, 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप जाकर के करेक्शन करा सकते हैं। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी फरवरी में ही। ओके, ऐसे नहीं कि अगले महीने में डेट आएगी फिर हम करेक्शन करा लेंगे तो दोबारा से टिकटॉक में लग गए ना, पबजी टिकटॉक में मत लगिएगा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा ओटीआर। ये ओटीआर क्या है, बहुत लोग इसको हवा बनाए हुए हैं, कुछ नहीं है ओटीआर, कुछ नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक तरह से होता है, जैसे आप लोग जाकर के किसी साइट पर जाकर के अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, उसी तरह से जाकर के एक बार आपकी प्रोफाइल बन जाती है यूपीएससी के पास में, जाकर के आपका समझ लीजिए एक रजिस्ट्रार बन जाता है, उसके पास में जानकारी होती है आपकी। और फिर आप कभी भी कोई भी यूपीएससी का एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराती है, ओके, तो बहुत सारे एग्जाम कराती है, तो आप अगर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको कुछ सूचनाएं देनी पड़ेंगी और पेमेंट करना पड़ेगा, तो सारी डिटेल होता है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो एक बार आपको ओटीआर कंप्लीट करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप लोग आराम से कोई भी फॉर्म भरा करेंगे तो आपको बार बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जाकर के जल्दी से आप लोग जाएंगे तो अब कहेंगे कि ये ओटीआर कहाँ मिलेगा। अरे भाई जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पर ही अब ओटीआर को ऑप्शन आता है, जैसे पहले आता था ना कि अप्लाई फॉर्म अप्लाई नाउ, वैसे ही अब ओटीआर लिखा हुआ होगा, उसी पर क्लिक कर दीजिएगा और जो जो डिटेल मांगेगा बहुत ही सिंपल डिटेल मांगेगा। अगर आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं इतना तो जानते हैं आप, जिसमें नाम मांगा होगा तो उसमें नाम दे दीजिएगा, जिसमें लास्ट नाम मांगा हो तो लास्ट नाम दे दीजिए, जिसमें पिताजी का नाम मांगा हो पिताजी के, जहां पर एड्रेस मांगा हो वहां पर एड्रेस, जहां पर मार्क्स मांगे होंगे वहां पर मार्क्स, और जहां पर स्टार नहीं है समझ लो वो छोड़ दो, इतना दबाव नहीं लेना है। जिसमें स्टार ना लगा हो, मैंडेटरी ना हो, वो छोड़ दीजिए आपके, आपको अगर नहीं पता है तो। वैसे सारी चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं परेशान में। तो ये हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कहाँ करना है, जाकर के पड़ोसी के यहाँ जाकर के अप्लाई करना है? नहीं भाई, आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.upscionline.nic.in पर, इसी साइट पर विजिट करना है। अगर आपको ना मिल रही हो तो हम कमेंट कर दीजिए, हम प्यार से इसका लिंक शेयर कर देंगे। और अगर आप लोग हैं मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप कैफे पे जा सकते हैं और कैफे पे जाकर के कह सकते हैं भैया हमारा फॉर्म भर दीजिए, सिर्फ 50 रुपया लेगा भरवाई के। लेकिन आप लोगों को ये भी दिमाग में आता होगा यार 50 रुपया तो वो लेगा, इसकी फीस कितनी जाती होगी? बैंक उंक वाले तो है 2-2 हजार रुपए फीस लेते हैं, ये कितनी फीस लेता है? तो चलिए हम लोग फीस की भी बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पैसा, पैसा सबसे ज्यादा, टका जो है पैसा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए फीस की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो महिला है, जो महिला नहीं सॉरी पुरुष है, जो ओनली मेल है उन्हीं का खून चूसा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अब आप लोग इतना परेशान मत होइएगा, देखिए यहाँ पर जो अगर आप पुरुष वर्ग से आते हैं तो जनरल कैटेगरी और जो ये ओबीएस निकल जाता है, क्योंकि ओबीएस में रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो बार बार ओबीएस निकल जाता है, ओबीसी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अदर बैकवर्ड क्लास। तो अगर बीच में कहीं पर हमारे मुंह से अगर ओबीएस लिखा जाए तो परेशान हो जाइएगा, समझ लीजिए कि ओबीएस ओबीसी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए जो ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास, और आपको ईडब्ल्यूएस जो आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक बीकर सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन तीनों के जो पुरुष हैं, इन तीन कैटेगरी के जो पुरुष हैं उन्हीं से फीस ली जाएगी। तो पुरुष कहेंगे अरे है ये तो हमारे साथ में क्या हो गई, जाती होगी। कितनी फीस ली जाएगी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्री में 100 रुपया ली जाएगी। कहेंगे अरे यार चलो ठीक है, इतने का तो लड़के हैं वो सिगरेट खड़े होकर के पी लेते हैं, इसीलिए यूपीएससी ने यहाँ पर पैसे रखे हैं कि इस लड़के हैं वो चाय सुट्टा ना पिए, अपना
धूम्रपान करके अपने फेफड़े बेकार ना करें, 100 रुपए इधर दे दें तो कम से कम एक सप्ताह की सिगरेटें इधर काम में आ जाएंगी। तो इसी वजह से लड़कों से सिर्फ पैसा लिया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा मेंस में कितना पैसा देंगे, तो मेंस में 200 रुपया लगेगा, बहुत कम लगेगा। 2 सप्ते की सिर्फ सिगरेट का पैसा आप लोगों का जा रहा है, कुछ लोग एक दिन में भी इतनी सिगरेट पी लेते होंगे। महिलाओं से कितना पैसा जाएगा, बोले महिलाओं की नहीं बताएं, महिला किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, यानी कि कैटेगरी मोटी हो, पतली हो, काली हो, गोरी हो, कैसी भी हो, सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं कोई भी पैसा नहीं जाएगा। ओके, 0 रुपया जाएगा। ओके, मजाक कर रहे हैं आप, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं, या OBC में आते हैं, या फिर SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपसे कोई भी पैसा नहीं जाने वाला। इसके अलावा अगर आप लोग SC और ST या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, किसी भी कैटेगरी के अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में मतलब विकलांग के हैं, तो भी आप लोगों से सरकार पैसा नहीं लेगी, कहेगी UPSC में मुफ्त में आइए, मुफ्त में फॉर्म भरिए आप आकर के। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर UPSC ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि महिलाओं के लिए और जो हमारे जो ऐसे तबके हैं, जो पिछड़े तबके हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर छूट दिए। वैसे भी 100 रुपये कुछ ज़्यादा रुपये नहीं है, तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं अगर पैसे लगती तो भी। इसके अलावा देखिए अगर कोई समस्या आती है तो आप जानकारी कहाँ लेंगे, पड़ोसी को खोजेंगे, आरजी सर को खोजेंगे, आरजी सर का फोन कहाँ गया, लाओ आरजी सर को परेशान करते हैं, रात में सो रहे होंगे, मैं अभी पूछता हूँ OTR कैसे भरा जाएगा, या फिर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि फॉर्म में हमारी जो मार्कशीट है ना उसमें इनरोल नंबर नहीं दिख रहा है, या फिर कोई क्रमांक नंबर नहीं दिख रहा है, मैं तुरंत आरजी सर को फोन करता हूँ, तो आरजी सर को फोन नहीं करना है। इन सभी समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा आपको, आपको इन सभी समस्याओं का समाधान है वो इन 2 नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल है वो आप लोग 10 बजे से 5 बजे के बीच में करें। ये किसका नंबर है, आरजी सर का नहीं है, ये नंबर है आयोग का नंबर है, आप आयोग में डायरेक्ट जाकर के बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए नंबर है, सरकारी चीजें कभी कभी फोन लगाएंगे तो जल्दी उठाते नहीं, लेकिन उठा लेते हैं, पहले नहीं उठाते थे, अब उठा लेते हैं। तो देखिए अब क्या है, फॉर्म जब भरा जाता है तो ज्यादा कॉलेज आने लगती है तो कम उठाते हैं ये लोग, लेकिन अगर ये ना उठाएं तो आपको क्या करना है, तो आपको इनके यहाँ ही चले जाना है, बोले कि चलो हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप चाय पीने, आपने फोन क्यों नहीं उठाया। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपकी कोई बड़ी समस्या है, जैसे आपने फॉर्म भरा लेकिन आपने फॉर्म सही भरा फिर भी आपके एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आया, कुछ चीजें नहीं आई, ऐसे नाम गलत हो गया, आपने सही डिटेल भरी फिर भी ऐसा हो गया, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप डायरेक्ट UPSC जाकर के विजिट कर सकते हैं, आयोग में जाकर के विजिट कर सकते हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि आप गेट नंबर 3 या गेट नंबर 2 C आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए काउंटर बनाया गया है, यानी कि गेट नंबर 3, यानी कि आपका जैसे दरवाजा है वैसे ही यहाँ आयोग के बहुत सारे दरवाजे हैं, तो उसका दरवाजा नंबर 3 गेट नंबर C पर आपको जाकर के अपनी समस्या बतानी है, वहां आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो आयोग में आपकी सभी तरह की चीजें हैं वो समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जानकारियां गलत दे देंगे फिर आपकी जानकारियां गलत देने के बाद वो सही करेंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए फॉर्म फिल करते वक्त सारी जानकारियां सही भरी, अगर आयोग की कोई मिस्टेक होती है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो आयोग आपकी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए जब भी आपका पेपर होगा प्रीलिम्स का, तो उससे 3 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्यार से जाकर के फिर से upsc.nic.in पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड निकलवाइएगा, एकदम कलरफुल फोटो आएगा, लेमिनेशन करा करके रखिएगा कि इस बार हम पहली बार पेपर दिए हैं। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लेकिन देखिए पेपर कब होगा, पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बार 28 मई को PT का पेपर है। ओके, और मेंस का पेपर कब है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, हम आपको बता देते हैं। देखिए मेंस का जो पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कब है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 15 सितंबर से मेंस का पेपर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो हमने बताया ना, हर एक चीज बताएंगे छोटी से छोटी, अरे ये बीच में कहां से आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये भी इसको भी बता देते हैं, महत्वपूर्ण चीज है, वैसे हमने इसको लास्ट में लगाया था। आप लोगों को देखने को मिलेगा सभी टेस्ट सीरीज आप घर बैठे लोएस्ट कॉस्ट में मंगवा सकते हैं, वैसे अमेजन से भी मंगवा सकते हैं, वहां पर भी हमारा स्टोर है, लेकिन अमेजन वाला महंगा देता है। इस वजह से हमने एक अल्टरनेटिव दिया था कि हम जैसे जो गरीब इंसान हैं, हम जैसे जो सबसे गरीब इंसान है, वो इतनी महंगी फोटो कॉपी नहीं निकलवा सकते शहरों में, जो छोटे शहर है वहां पर फोटो कॉपी बहुत महंगी निकलती है, तो यहाँ पर हम लोएस्ट कॉस्ट में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है। इसकी अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, या फिर हमारे चैनल पर प्यारे से एक चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, वहां पर सारी जानकारी दी है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, जैसे ये जो PCS का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सिर्फ 300 रुपए में आपके घर पर
जो उत्तर प्रदेश जो जीएस बैठ गई, और 300 रुपए में आपकी जो है आईएएस की एक से लगभग में 10 तक आपकी घर बैठी आ जाएंगी। इतने सस्ते दामों में हम आपको प्रोवाइड करा दिए। चलिए ये अलग बात थी। इसके अलावा देखिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग पेपर दे सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से आप देखिए यहाँ पर सुनिएगा, ये चीजें कम लोग बताते हैं यहाँ से। अभी तो ये चीज बता देते हैं, लेकिन इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये पूरा का पूरा हमने जो नोटिफिकेशन था उसका समरी दिया है आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें एज की, देखिए सबसे ज्यादा डाउट रहता है, बहुत लोग मैसेज करते हैं, आज के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा एज का, जिसने इस वीडियो को नहीं देखा वही नहीं समझ पाएगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम एज की बात करें तो कौन व्यक्ति पेपर दे सकता है, तो मिनिमम जिसकी एज 21 साल हो, यानी कि आप 21 साल के हो गए हैं, बालिक हो गए हैं, जाकर के ब्याह कर लीजिए, काहे को पेपर के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 21 साल की अगर आपकी एज है तो आप पेपर दे सकते हैं। देखिए 21 साल एज है, लेकिन 21 साल कब होगी, हम पिछले साल हो जानी चाहिए, अगले साल हो जानी चाहिए, या फिर 2030 होना चाहिए, 21 साल कब होनी चाहिए, तो जिस साल भी जिस ईयर आप लोग पेपर देते हैं उसी साल, जैसे इस बार 2023 में जो लोग पेपर दे रहे हैं, पेपर भले ही आप लोगों, देखिए आप जो पीटी का पेपर है वो मई में हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, जिस साल का आप पेपर दें उसी साल के उसी साल से काउंट की जाती है। लेकिन किस तारीख से, 1 जनवरी से, 31 दिसंबर से, नहीं, आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 अगस्त से उसी साल के, जैसे अभी 2023 है तो 2023 की अगस्त से काउंट किया जाएगा। अगर आप लोग 2024 में पेपर देंगे तो 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। आगे हो सकता है ये कैटेगरी चेंज भी हो सकती है, लेकिन बहुत सालों से 1 अगस्त ही चला आ रहा है। तो 1 अगस्त तक आप लोग, 1 अगस्त 2023 तक अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते, पेपर दे सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन देखिए इस अनुसार कौन व्यक्ति पेपर दे सकता है, तो देखिए मैं आप लोगों को इधर बता देता हूँ। इस अनुसार आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी एज है वो 1 अगस्त, जो इंसान जो पैदा हुआ है ना वो 1 अगस्त 2000 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की है वो समझ लीजिए पेपर दे सकता है। यानी कि अगर आप लोग 1 अगस्त 2002 से पहले पैदा हुए हैं या फिर इस दिन पैदा हुए हैं तो आप लोग पेपर दे सकते हैं। जो लोग 2 अगस्त 2002 को पैदा हुए वो लोग भी पेपर नहीं दे सकते, एक दिन ही लेट हुए, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई बहुत समस्या वाली बात है अगर एक दिन ही लेट आप पैदा हुए तो बहुत समस्या वाली बात है, आप पेपर नहीं दे सकते। समझ लीजिए अगर आप 1 अगस्त 2002 तक अगर आप 21 साल के हो जाते हैं तो आप पेपर दे सकते हैं। और कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 अगस्त 1991 के बीच, 1991 इस बीच में अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वही पेपर दे सकता है। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। देखिए मैं थोड़ा साइड साइड जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग आराम से खुद ही देख सकते हैं, बाद में आराम से निकालते रहिएगा। ये तो आप लोग पता ही चल गई होगी ना डेट ऑफ बर्थ कितनी है, जैसे आपकी 1998 है तो आप आराम से पेपर दे सकते हैं, 2000 आपकी डेट ऑफ बर्थ है आराम से पेपर दे सकते हैं, 2001 है आपकी डेट ऑफ बर्थ आराम से पेपर दे सकते हैं। लेकिन कब तक दे सकते हैं भाई, तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए जनरल कैटेगरी या फिर आप लोग EWS में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आप 32 साल तक पेपर दे सकते हैं। कितने साल तक, 32 साल तक आप पेपर दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं देखिए यहाँ पर भी SBSC आएगा जो आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, OBS आप लोगों को देखने को मिलेगा, OBS देखिए फिर से बोल दिया, ओबीसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास है, तो अदर बैकवर्ड क्लास है वो 35 साल तक, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो देखिए इनको 35 साल। देखिए कुछ लोग हैं वो इस चीज को ध्यान रखिएगा, EWS है ना उनके लिए वही की है 32 साल ही है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं ओबीसी, तो ओबीसी वाले हैं ना तो उनको 35 साल देखने को मिलेगा। इसी तरह से SC ST वर्ग वाले हैं उनको 37 साल देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फिजिकल PWS नहीं होता है, PWD होता है, ओके, मतलब डिसेबिलिटी होता है, PWD वाले हैं उन लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि 42 साल, ओके 42 इयर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप विकलांग वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप 42 साल तक पेपर दे सकते हैं, और आप लोग SC ST में आते हैं तो 37 साल तक दे सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप लोग कब तक दे सकते हैं, 35 साल तक पेपर दे सकते हैं। इसी तरह से जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर EWS में आते हैं तो आप लोग 32 साल तक पेपर दे सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ में आप लोगों को देखने को मिलेगा अटेम्प्ट्स हैं,
जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आप जर्नल या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप मैक्सिमम कितनी बार पेपर दे सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 6 बार ही पेपर दे सकते हैं। कितनी बार? मैक्सिमम 6 बार ही पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है आपकी 32 साल तक, जैसे कि 21 साल से 32 साल तक आपके लगभग में कितने साल बनेंगे जाकर के, आपके लगभग में 12 साल बनेंगे जाकर के, तो आप 12 बार पेपर दे सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ 6 बार ही पेपर दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप लोग कितनी बार पेपर दे सकते हैं, आप 9 बार पेपर दे सकते हैं। कितनी बार? 9 बार पेपर दे सकते हैं, लेकिन कितने साल तक दे सकते हैं? 35 साल तक। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे उसने 21 साल में एक पेपर दिया, फिर दूसरा पेपर हो सकता है उसने 1 साल का गैप करके फिर दिया, उसको लगता है अभी मैं ठीक से सक्षम नहीं हूँ, 1 साल का ब्रेक करता हूँ, फिर पेपर दिया। लेकिन कितनी बार मैक्सिमम पेपर दे सकता है? 9 बार पेपर दे सकता है। इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो SC ST और जो जो विकलांग लोग होते हैं, ये कितनी बार दे सकते हैं? अनलिमिटेड दे सकते हैं। इनफाइनाइट देखने को मिलेगा, जब तक इनकी एज पूरी ना हो जाए तब तक ये पेपर दे सकते हैं। जितनी बार फॉर्म आएगा, अगर ये अपनी जो एज है मैक्सिमम एज अगर उसको क्रॉस ना करें तब तक ये पेपर दे सकते हैं, अनलिमिटेड दे सकते हैं। अनलिमिटेड डेटा है, कोई समस्या वाली बात नहीं, अनलिमिटेड डेटा वाला यहाँ पर पैक है, तो ये लोग आराम से दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, इसमें सोच रहे होंगे महिलाओं के लिए, महिलाएं भी क्या अनलिमिटेड है, जैसा फीस में छूट मिल रही थी? नहीं, यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा महिला जिस कैटेगरी की होगी उस कैटेगरी के अनुसार उसको अटेम्प्ट मिलेंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड वाला मामला नहीं है। ओके, ज्यादा आप लोग प्रॉफिट मत लीजिएगा, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और, हाँ, यहाँ पर जो कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ना, कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, वो आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं। विभिन्न जॉब के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं सभी जॉब के लिए बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो वो चीज आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या भी कम होती है, वो ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप, चलिए एज आपकी पूरी है, लेकिन क्या अनपढ़ इंसान भी पेपर दे सकता है जाकर के? कोई कोई ऐसा होता है जो 5 साल 10वां फेल हुआ, 5 साल 10वां फेल हुआ, उसकी एज है वो 21 साल हो गई, लेकिन अभी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, मतलब 11वीं क्लास में पढ़ता है, क्या वो भी पेपर दे सकता है? एज ही पर्याप्त नहीं है, दूसरी एक और चीज है, एजुकेशन भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो एजुकेशन में क्या, स्नातक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन, मिनिमम मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, हर एक चीज बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेजुएशन में आप, जैसे आपने बीए किया हो, बोले उल्टी जो चीज है, बीए आप लोगों ने की हो, बीएससी की हो, ओके, एमबीबीएस किया हो, एमबीबीएस किया हो, बीकॉम किया हो, या फिर आपने बीटेक किया हो, आईआईटी की हो, दुनिया भर की कोई भी चीज की हो जो स्नातक कैटेगरी में आती है या स्नातक के समकक्ष में आती है, हर स्नातक कैटेगरी जो आती है वो सब मान्य होगी, लेकिन लीगल यूनिवर्सिटी से किया हो, ऐसी नहीं है इलीगल यूनिवर्सिटी से कर लिया हो, यानी कि आपने किसी भी लीगल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, फिर स्नातक के समकक्ष कोई भी आपने इस प्रकार की चीज की है, तो आप पेपर देने के लिए सक्षम है। यानी कि अब दोबारा कोई नहीं पूछेगा हम बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, या फिर हम बीटेक किए, एमबीबीएस किए, क्या हम पेपर दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, आपका क्या है, स्नातक होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के अब और कंफ्यूजन बढ़ते हैं, चलिए आप स्नातक हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम स्नातक कर रहे हैं, यानी कि फाइनल ईयर में हैं और हमारी एज क्या है, 21 साल हो गई है, लेकिन अभी हमारा क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम फाइनल ईयर में, जैसे बीए के थर्ड ईयर में है, इसी तरह से बीएससी है उसके जो लास्ट ईयर जो भी हो, जैसे एग्रीकल्चर वालों का तो ज्यादा होता है, तो अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आपकी एज है 21 साल हो गई है तो आप पेपर दे सकते हैं। यानी कि अगर आपका अपेयरिंग में है, जो लोग बोलते हैं अपेयरिंग में है, या फिर चल रहा है अभी ग्रेजुएशन स्नातक चल रहा है, लेकिन अभी आपकी 21 साल एज हो गई है और आप फाइनल ईयर में है तो आप पेपर दे सकते हैं। यस, आप लोग दे सकते हैं, दोबारा कोई नहीं पूछेगा, आप पेपर दे सकते हैं, बस लास्ट ईयर में होने चाहिए। लेकिन दूसरी चीज क्या, आप प्रीलिम्स का पेपर तो दे सकते हैं, लेकिन मेंस जब आप देंगे तो आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। वहां पर आपके बहाने नहीं चलेंगे, भाई हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, अभी हमारी जो जो हमारी यूनिवर्सिटी है ना वो डिले है, हमारा जो रिजल्ट है वो अगले साल आएगा, हमें अभी पहले जॉब पर लगा लीजिए, यूपीएससी के बाद में हमारा रिजल्ट आ जाएगा अगले साल, तो यूपीएससी इसका बेटर नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। मेंस में आप लोगों के पास में मार्कशीट होनी चाहिए, ये चीज आप लोग देखने को। कुछ लोग पूछते हैं हम डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं, इग्नू से हम कर लिए, क्या ये भी मान्य होता है? तो डेफिनेटली अगर आप बीए या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आप डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं, मतलब आप प्राइवेट करते हैं जिसको बोलते हैं, जिसमें आप स्कूल नहीं जाते, सिर्फ पेपर देने जाते हैं,
आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप भी पेपर दे सकते हैं। यूपीएससी बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेगा आप डिस्टेंस लर्निंग से का है कि ये, आप आराम से कहेंगे हम डिस्टेंस लर्निंग से करे। यूपीएससी कहेगा तुम आपकी क्षमता है, आप यूपीएससी बनने लायक हैं, तो कहेंगे हाँ है, तभी तो हम यहाँ इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। अगर हमारी क्षमता नहीं होती तो हम यहाँ तक कैसे आ जाते। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो ये डाउट अंदर से अपने निकाल दीजिएगा कि हाँ आप डिस्टेंस लर्निंग से अगर कर रहे हैं, यानी कि आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो आप पेपर नहीं दे सकते। दे सकते, डेफिनेटली दे सकते। दूसरा डाउट क्या होता है, मार्क्स की। हमारी भैया थर्ड डिविजन है, हम तो थर्ड डिविजन से पास हैं, या फिर हमारी सेकेंड डिविजन है, या फिर हमारी फर्स्ट डिवीजन है, मार्क्स कम है, 61% 62% है, या फिर थर्ड डिवीजन है, क्या हम पेपर दे सकते हैं? उस समय किसी कारण वो समय थर्ड डिवीजन आ गई, या फिर उस समय हमारा पढ़ने का मन नहीं लगता था, कहीं और लगता था, हम किसी को और को देख देख करके हमारी थर्ड डिवीजन आ गई, तो क्या हम पेपर दे सकते हैं? तो डेफिनेटली आप पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है कि आपके पास में 55% मार्क्स या फिर 62% 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, क्लियर है आप लोग? आप पेपर दे सकते हैं, चाहे थर्ड डिवीजन हो चाहे फोर्थ डिवीजन हो, बस पास होने चाहिए। बोले कि नहीं, हमारे तो सिर्फ 10% मार्क्स हैं, पास नहीं है, क्या पेपर दे सकते? नहीं, पास होना जरूरी है, लेकिन कितने परसेंट मार्क्स हैं वो अभी तक तय नहीं किए गए। इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों के अंदर ये डाउट आता है कि हमने, जैसे हम बी टेक किए हुए हैं या फिर बी एस सी किए हुए, तो हमारे पास में बायो था, क्या हम ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं जो हमने ग्रेजुएशन में ना लिया हो? यानी ग्रेजुएशन में हमारे पास जो सब्जेक्ट नहीं था, क्या हम वो सब्जेक्ट हम ले सकते हैं ऑप्शनल? डेफिनेटली ले सकते हैं। जैसे आप मानते हैं एमबीबीएस के छात्र हैं या फिर बीटेक के छात्र हैं, बीटेक आप लोगों ने किया है, तो आप क्या, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आप ऐसे सब्जेक्ट ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, ऑप्शनल आप लोग चूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उसका आपके स्नातक से संबंध नहीं है। समझ गए आप लोग? यानी कि आप लोग, जैसे कि कोई भी है, जैसे कि बीटेक वाला है, उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, क्या वो ले सकता है वो सब्जेक्ट? ऑप्शनल में ले सकता है, तो ऑप्शनल में ले सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम बोले ना, हर एक डाउट आपको छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा डाउट आप लोगों का क्लियर करेंगे। तो चलिए, इसके अलावा देखिए, आप लोगों के पास में अगर आप एजुकेशन भी किए हुए हैं, मतलब आप स्नातक भी हैं, इसके अलावा नागरिकता भी इंपॉर्टेंट रोल लगती है। देखिए, अगर आप लोग आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग क्या होने चाहिए, अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और इसके अलावा अदर पोस्ट जो हमने आपको बताई थी, 24 पोस्टें हैं, उसमें से अदर पोस्ट जो बचती हैं, दो निकाल दीजिए, आईएएस और आईपीएस की निकाल दीजिए, शेष जो बचती हैं उसके लिए आप लोग क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे, जैसे कि वो तो आईएएस आईपीएस के लिए भी है। इसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा अन्य व्यक्ति हैं, वो भी पेपर दे सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। आप लोग देखने को मिलेगा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान के हैं, जो तिब्बत के जो रिफ्यूजी हैं, लेकिन तिब्बत के जो रिफ्यूजी हैं वो 1 जनवरी 1962 से आ गए हो। इसके अलावा भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्ति जो अन्य अन्य जगह चले गए थे, दोबारा से लौट आए थे भारत में, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप लोगों को ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि आप क्या है, प्योर भारतीय होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि रिफ्यूजी बैठा हुआ आरजी सर की क्लास ले रहा है। तो आप लोग अगर इन रिफ्यूजी में आते हैं, या फिर आप लोग भारतीय मूल के थे, कभी कभी भारत से चले गए थे, लौट करके आ गए हैं, तो भी आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन आप आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकते। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे, क्या मालूम आप लोगों से इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए, क्या आपने नोटिफिकेशन पढ़ा? तो बोले नहीं साहब, हम तो बस किताबें लक्ष्मीकांत रटते रहे, एनसीईआरटी में रटते रहे, लेकिन आज तक हमने नोटिफिकेशन तो ना देखा, जिसका पेपर ही देना था। तो एक कितना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। तो देखिए, इसी तरह से हम लोग बात करें एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 79 प्री के एग्जाम सेंटर हैं, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग जाकर के भर दीजिए, वरना सेंटर कभी कभार नहीं मिलता, दूसरी सिटी में भेज देता है, क्योंकि आप फॉर्म ज्यादा पढ़ते हैं पहले से। इसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेंस के सिर्फ 24 सेंटर ही हैं, क्योंकि लोग यही कम देते हैं पेपर, तो इस वजह से 24 सेंटर आप लोगों के पर्याप्त देखने को मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, देखिए अगर जल्दी से मिल जाएगा तो। देखिए ये देखिए, सारी पोस्टें हैं, देखिए इसी तरह से ये नोटिफिकेशन से ही हमने सारी चीजें ली हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, अभी आप लोगों को दिख जाएगा, एक सेकेंड रुक जाइए। सेंटर के बारे में हाँ, इसमें एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, ये भी देखिए, जैसे ये कुछ दिया रखा होता है विकलांगता के बारे में, और साथ में फिजिकल मेडिकल के बारे में। तो देखिए, जो मेडिकल होता है उसको लेकर के आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है,
बहुत ज्यादा हार्ड ऐसे नहीं होता है, और अगर आप किसी भी कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं हो पाते तो दूसरी कैटेगरी में आप सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको निकाल करके फेंक दिया जाएगा कि आपकी, और छोटी मोटी चीजें सब चलती हैं, ओके। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपकी आर्मी में भर्ती लिया जा रहा है, इतनी सी कम है तो चलो निकलो। तो देखिए सबसे ज्यादा जो होता है इसमें, जो आईपीएस वाला होता है उसमें थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, आपकी थोड़ी सी दौड़ होती है, थोड़ा सा सक्सेस होता है, लेकिन ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है आईपीएस की, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर आ गया है, देखिए ये देखिए एग्जाम सेंटर, देखिए ये एग्जाम सेंटर है जो आप लोगों के लिए, पीटी का एग्जाम सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से ये सारे हैं, मैं आप हल्के हल्के में साइड से हटके थोड़ा हल्के हल्के ऊपर करता हूँ, तो आप लोग अपना वाला खोज लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेकर के, या फिर ये पीडीएफ है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और देखिए ये वाली आप लोगों को मेंस की देखने को मिलेगी, तो देखिए मेंस के सेंटर कितने हैं, 24 ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारे मेंस के सेंटर में थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा अपना शहर, अपने आस पास का शहर देख करके खुश हो जाइएगा आप लोग, हो सकता है बाहर के भी लोग देख रहे हो, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीजें देखते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इसमें भी कुछ चीजें बताएंगे, अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार मुझे तो पता है एग्जाम के बारे में सब कुछ, एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों को बताएंगे। चलिए देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि देखिए यहाँ पर तीन चरणों में होता है, एक जो पीटी एग्जाम होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा फिर चरण होता है उसमें इंटरव्यू होता है जाकर के। प्रथम चरण होता है तो उसमें आप लोगों को, प्रथम चरण है वो कब होगा आप लोगों का, 28 मई को होगा इस बार 2023 वाला, इसमें दो पेपर होते हैं। इसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 15 सितंबर को मेंस आप लोगों का स्टार्ट होगा, फिर लगभग में 4 दिन 5 दिन मेंस चलता है, एक एक दिन में दो दो पेपर आप लोगों के होते हैं। इसी इसमें आप लोगों को दो क्वालिफाई पेपर देखने को मिलेंगे, एक होता है जो इंडियन लैंग्वेज का होता है, दूसरा इंग्लिश का होता है। इसके अलावा एक ऐसे होता है, 4 GS के होते हैं, 2 ऑप्शनल होते हैं, और ऐसे 4 GS और ऑप्शनल मिला करके आप लोगों की बनती है मेरिट बनती है, और जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो जाकर के इंटरव्यू में जाते हैं। फिर इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा आप लोगों का, जनवरी में स्टार्ट होगा। बोले जनवरी तो चल रहे, बोले नहीं अगली जनवरी में 2024 जनवरी में आप लोग के इंटरव्यू होंगे, तो कुछ दिनों तक फिर इंटरव्यू हल्के हल्के आप लोगों को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू पैनल आप लोग के इंटरव्यू लेंगे। लेकिन प्रीलिम्स में आप लोग जानते हैं कितने लोग फॉर्म डालते हैं, लगभग में 11 लाख के करीब में लोग हैं वो फॉर्म डालते हैं, लगभग में 4 से 5 लाख लोग हैं वो प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, और प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद में मेंस में कितने लोग लिए जाते हैं आप लोगों के ये दिमाग में आता होगा यार मेंस कितना लोग लिया जाता है। तो मेंस में जितनी सीटें होती हैं उन सीटों का लगभग में आप लोगों को 12 से 13 गुना लोग हैं वो लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 सीटें हैं तो कितने लोग लिए जाएंगे, 1200-1300 लोग हैं वो मेंस का पेपर देंगे। जैसे अभी कितनी जो सीटें हैं मान लेते हैं, अभी 1105 सीटें हैं, तो हम गुणा भाग करने के लिए सीधा सीधा निकाल लेते हैं, जैसे 1000 सीटें मान लेते हैं, अगर 1000 सीटें होती तो कितने लोग मेंस देते हैं, लगभग में 13 से 14 हजार लोग हैं वो मेंस देते हैं। इस बार कितने मेंस देंगे, लगभग में 14-15 हजार लोग इस बार मेंस देने वाले हैं, तो आप लोगों को भी मौका मिल सकता है, यानी कि 12 से 13 गुना लोग हैं वो मेंस देने का मौका मिलता है जितनी भी सीटें होती हैं। जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे 100 सीटें हैं तो आप क्या कर दीजिए, इनमें लगभग में 12 से या 13 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो जो भी निकल के आएगा वो हो जाएगा। इसी तरह से अभी 1105 सीटें हैं तो 1105 में आप 13 या 14 की गुणा कर दीजिए, तो लगभग में इसके आसपास इतने लोग हैं वो मेंस देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू कितने, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग में 3 गुना लोगों को लिया जाता है। जैसे कि मानते हैं अभी 1000 अगर सीटें हैं तो 3000 लोगों को मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का, तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो देखिए ये भी चीज हम लोगों को पता चलेगी, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसमें अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, रुके रहिएगा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें जो पीटी का एग्जाम होता है तो ये एमसीक्यूज बेस होता है, आप लोग जानते होंगे। इसमें देखिए एक पेपर होता है जीएस जिसको बोलते हैं, दूसरा पेपर होता है जिसको हम सीसेट बोलते हैं। देखिए जो जीएस का पेपर होता है इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो जय बजरंगबली करके आपको सिक्का उला करके आप लोगों को नहीं लगाना है कि हाँ चलो जय बजरंगबली किया हुआ सब लगा दिए 100 के 100 कर रहे हैं, नहीं, तो माइनस में पता चला कि रिजल्ट देखे जा करके माइनस में आए। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है 0.33%, यानी कि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग आप लोग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं पीटी आप लोगों का क्वालिफाई हो तो आरजी सर की थोड़ी सी क्लास जाकर के देख लीजिए, मजा आ जाएगा एकदम।
आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को क्लियर करा देंगे। बस आपको काम इतना है रिवाइज करना। अगर जिस जिसने हमारे नोट्स को जाकर के कुछ बार ही रिवाइज कर लिया उसका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला, क्योंकि हम बहुत ही प्रीमियम क्लासेस इस बार आप लोगों के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हाँ आप लोगों के लिए हम जब मैराथन है वो भी आप लोगों को कराएंगे। करंट अफेयर विजन 365 आ रहा है, 27 तारीख को आ रहा है, और जैसे ही आएगा सबसे पहले अपने चैनल पर हम आपको विजन 365 पढ़ाने वाले हैं। जैसे आज आएगा 4-5 घंटे हमें पढ़ने में लगेगा, फिर हम आप लोगों को पढ़ा देंगे आकर के। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ये होता है पेपर, ये हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में आपके सामने आता है। आपको हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए तब आप लोग आराम से इस पेपर को टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीसेट की, तो सीसेट में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए सीसेट में 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये भी 200 मार्क्स का होता है, ये भी 2 घंटे का ही होता है, और इसमें भी आपको माइनस मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, काट पीट के आपको लगभग 27 से 28 क्वेश्चन सही करने होंगे, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। यानी कि एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीसेट में जैसे आपके जब प्री का पेपर होता है तो पहले आपका सीसेट की कॉपी चेक होती है। अगर आप सीसेट क्वालिफाई हैं तभी यूपीएससी आपकी कॉपी चेक करेगा, वरना ऐसे कूड़ेदान में उठा करके फेंक देगा, कहेगा नहीं हम तो चेक नहीं करेंगे सीसेट की क्वालिफाई नहीं के। यानी कि पहले कौन सी कॉपी चेक होगी, सीसेट की। यानी कि अगर आपने सीसेट क्वालिफाई किया है तभी आपकी ये जीएस की कॉपी चेक होगी, तभी आपका जीएस का रिजल्ट बाद में कभी दिखेगा जाकर के, वरना आपको जीएस का रिजल्ट ही नहीं दिखेगा। इसी वजह से सीसेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, और जीएस की कॉपी चेक होने के बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी। वैसे आप जीएस में भले ही 100 के 100 क्यों ना कराएं और सीसेट में नहीं कर गए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए जब मेरिट बन जाती है फिर लगभग में 12 से 13 गुना लोग हैं वो मेंस देते हैं। मेंस का जो चरण होता है वो सितंबर में प्रारंभ होता है, तो 15 सितंबर से इस बार मेंस के पेपर हैं वो होने के लिए हैं। वो कभी कभार डेट है वो हट भी सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में हटती है, हटती नहीं है यूपीएससी की डेट। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक पेपर होता है जिसको आपको चूज करना पड़ता है, जो आपकी 22 भाषाएं दे रखी है उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर होता है इंग्लिश होता है, ये जो कंपलसरी पेपर होते हैं जो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन जो पहला पेपर जो आपको देखने को मिलेगा जो 22 लैंग्वेजेस हैं मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं इनको चूज करने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं और साथ में फिजिकल हैंडीकैप वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ये छूट दी जाती है। वो लोग ये वाला पेपर उनको नहीं देना होता है। ये वाला पेपर जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, सिक्किम भी इसमें इंक्लूड है, इन राज्यों वालों के लिए ये वाला पेपर नहीं देना पड़ता है। बोले यार यार बड़ा मजा आ गया यार, मैं भी उधर जाकर के उधरी का होता तो ज्यादा मजा आता, एक पेपर ना देना पड़ता मुझको। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उन लोगों को ये पेपर नहीं देना पड़ता। कुछ है फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं उन लोगों के लिए भी नहीं होता, उसमें कुछ कैटेगरी होती है जो फिजिकल डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए पेपर से छूट दी जाती है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कैटेगरी है, आप इसके छूट के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, जो विकलांग लोग हैं। ओके, जैसे जिसको आंख वाख से नहीं दिखता है कुछ ऐसा सिस्टम होता है, उन लोगों के लिए पेपर नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा इंग्लिश क्वालिफाई होता है, ये भी कंपलसरी पेपर होता है, सभी लोगों को इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। ये जो दोनों पेपर होते हैं इनमें समय आपको 3-3 घंटे का मिलता है, और साथ में ये 300-300 मार्क्स के होते हैं, एक क्वालिफाई होते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए इसमें 33% मार्क्स नहीं लाने पड़ते हैं। इसमें जो मार्क्स लाने पड़ते हैं ना इन दोनों पेपरों में आप लोगों को देखने को मिलेगा 25-25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, 25-25%। यानी कि 33% पासिंग मार्क वाला इसमें पासिंग मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ 25%। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 300 में से 75 मार्क्स ला करके आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई होंगे ना तभी आपकी आगे की जीएस की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपकी जीएस की कॉपी चेक ही नहीं होगी, चाहे आपने कितना अच्छा भी लिखा हो। इसलिए 2 पेपर क्वालिफाई करना जरूरी होता है तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी जीएस की। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले कौन से चेक होंगी, क्वालिफाई वाले जो दोनों पेपरों की होंगी। अगर आपके इसमें 75 मार्क्स हैं तब आपकी आगे की कॉपियां चेक होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर एक पेपर होता है एससी का।
ऐसे का पेपर होता है ना, ये 250 मार्क्स का होता है और इसमें दो ऐसे लिखने के लिए आते हैं और 3 घंटे का समय आप लोगों को मिलता है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए 4 GS के पेपर होते हैं, जो आप लोग जानते हैं 4 GS के पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 250 250 250 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से प्रत्येक पेपर के लिए तीन 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 घंटे का समय दिया जाता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो GS के 4 पेपर हो गए तो ये 2 दिनों में खत्म हो जाते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से दो ऑप्शनल के पेपर होते हैं, दो ऑप्शनल आप लोग बहुत सारे ऑप्शनल दिए रखे होते हैं, उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा या फिर आप लोग के लिए नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा आपका कौन 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 से ऑप्शनल आप लोग चूज कर सकते हैं। तो वैसे जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं वो तो सब पहले से चूज करके रखे होंगे, तो इसलिए मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन टेलीग्राम पर मैं अवश्य शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो ऑप्शनल होता है ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके अलावा 3 घंटे का समय आप लोगों को, 3 3 घंटे का समय इसमें भी दिया जाता है, यानी कि ऑप्शनल है वो 500 मार्क्स का टोटल हो जाता है और आपको 3 3 घंटे का समय दिया जाता है, ये भी एक दिन में निपट जाता है। अगर हम बात करें मेंस की, देखिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस का जो पेपर होता है ये हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में आपके सामने आएगा, लेकिन आप आंसर किस में लिख सकते हैं, तो आंसर आप 22 भाषाएं जो दे रखी है हमारे शेड्यूल में, जो 8वीं अनुसूची में है, उन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं लिखने के लिए, प्लस इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश है वो हमारी 22 भाषाओं में दे नहीं रखी है, तो इंग्लिश में भी आप पेपर दे सकते हैं। तो 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश, इनमें से आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं पेपर देने के लिए, लेकिन इसमें से बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिसमें आप लोगों के लिए लिपि जो होती है, जो स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, वो देवनागरी लिपि यूज करना पड़ेगा। वो लोग आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा, मैं आप लास्ट में जाते जाते वो चीज जरूर दिखा दूंगा। ओके, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें जो लैंग्वेज का पेपर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया जो लैंग्वेज का पेपर होता है, वो नॉर्थ ईस्ट और जो फिजिकल हैंडीकैप वाले लोग होते हैं, कुछ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं उनको नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शनल, बहुत प्रमुख बात है, देखिए ये ऑप्शनल को लेकर के ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों के अंदर ये डाउट रहता है। देखिए एक बड़ी अच्छी चीज है, आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे ये GS का पेपर, साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ऐसे का पेपर, कुछ लोग हैं वो चाहते हैं मैं ये हिंदी में दूं, मैं क्या दूं, हिंदी में दूं, और मैं चाहता हूं कि जो ऑप्शनल है मेरा ये इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है, मैं इंग्लिश में दे सकता हूं इसको, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो यस, आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आप GS और जो GS के पेपर और जो ऐसे का पेपर है वो आप चाहें तो दूसरी लैंग्वेज में दे सकते हैं, और जो ऑप्शनल का है वो आप दूसरी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं मैं ऑप्शनल है वो हिंदी में देना चाहता हूँ और जो मेरे अदर हैं वो मैं दूसरी लैंग्वेज में देना चाहता हूँ, जैसे इंग्लिश में देना चाहता हूँ और मेरा जो ऑप्शनल है वो मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ, तो आप हिंदी लिपि में लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में आप लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे और दिमाग लगा रहे होंगे, यार आप लोग बहुत दिमाग लगाने लगते हैं, कुछ लोग कहते होंगे सर मैं ऐसे ऐसे और GS अलग अलग भाषाओं में लिख सकता हूँ, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, जो GS है और जो ऐसे है वो आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। ऑप्शनल के लिए सिर्फ विकल्प दिया गया है, यानी कि ऑप्शनल और GS जो है इनमें आप लोग चूज कर सकते हैं, मतलब GS और ऐसे एक ही भाषा में लिखना होगा। ऑप्शनल है वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि वो आप लोग चूज कर सकते हैं अलग भाषा में, या फिर आप लोग सेम में भी दे सकते हैं, जैसे आप इसको हिंदी में दे रहे हैं, आप चाहे मैं इसको भी हिंदी में दूंगा तो आप हिंदी में दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसीलिए मैंने कहा था ना ये वीडियो आपके लिए वन एंड ओनली होने वाली है, कि इसके अलावा आप लोगों के लिए डाउट्स नहीं रहेंगे आपके दिमाग में। ओके, देखिए जब इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है, ये जनवरी में इंटरव्यू है वो प्रारंभ होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरव्यू में 3 गुना लोग हैं वो बुलाए जाते हैं, तो फिर जाकर के फाइनल मेरिट बनती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा देखिए एक ऐसे का पेपर, 4 GS के पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर और फिर इंटरव्यू, इतनों के ही मार्क्स सिर्फ फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, इन्हीं से जाकर के फाइनल मेरिट बनती है, फिर जाकर के आप सेलेक्ट होते हैं, जाकर के आप लोग देखने को मिलेगा। तो देखिए 1750 मार्क्स तो ये हो गए और 275 मार्क्स ये हो गए और फिर जाकर के ये फाइनल मेरिट आपकी बनती है। 275 कौन से हैं? इंटरव्यू वाले हैं और ये क्या है? ये मेंस वाले आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोगों की फाइनल मेरिट बनती है, फिर जाकर के आप लोग बल्ले बल्ले करते हैं और फिर आप लोगों को मजे आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए हम आप लोगों के लिए विजन है, बहुत ही प्रीमियम क्लासेस है वो दे रहे हैं, आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे
3 PM पर आप लोगों की ये देखिए चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने व्हाइट कलर कर दिया था। तो देखिए 3 PM पर एवरीडे आप लोगों की क्लास चलती है जो बहुत ही प्रीमियम से प्रीमियम होती है। जाकर के देख लीजिए, हम बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। विजन की जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम आप लोगों के लिए सॉल्व वगैरह आते हैं। इसके अलावा जो UPPCS है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत प्रीमियम क्लासेस करा दिए हैं। अगर आप लोग इस बार कंफ्यूजन है कि हमारी अभी पॉलिटी कवर नहीं है, अभी हमारी IR हमारा कवर नहीं है, हमारा इकोनॉमिक्स कवर नहीं है, हमारा ज्योग्राफी कवर नहीं है, जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत ही प्रीमियम क्लासेस। हमने चार चार पांच पांच बुक का कंपाइलेशन आप लोगों को पढ़ाए है। ऐसी क्लासेस यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं देखने वाले आप लोग जाकर के देखिए, आप लोगों को एकदम प्यार हो जाएगा क्लासेस से। तो आप लोग देख सकते हैं सभी की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग इस तरह से बना दी है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार लाइक जरूर करें और अपना सपोर्ट जरूर करें। हम आप लोगों को ले चलते हैं, थोड़ी सी जो चीजें हमने दिखाने के लिए बोली थी वो चीजें आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो नेपाल भूटान तिब्बत वाला जो अभी हम आपको बता रहे थे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड अब आएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं ना जो इंडियन ओरिजिन के वो बाद में फिर से भारत आ जाते हैं। तो देखिए जैसे इसमें पाकिस्तान है, बर्मा है, श्रीलंका है, ईस्ट अफ्रीका है, ऐसे कंट्री में पहले गए थे दोबारा लौट आए थे, वो देखिए चीज यहाँ पर लिखी हुई। एज लिमिट उमिट के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सब यहाँ पर दिया रखा है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सब कुछ हमने पूरी समरी ही इसकी बनाई है, मतलब आप लोगों के लिए ऐसे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग यहाँ पर आकर के दोबारा से देख सकते हैं, वैसे कोई समस्या नहीं आने वाली क्योंकि हमने हर एक चीज इसमें जो दी रखी थी, जैसे देखिए फीस उससे लेकर के हर उसी सीक्वेंस में हम आप लोगों के लिए बताए थे, तो पूरा का पूरा ये पढ़ाए थे। तो एक चीज जो आपको दिखाने के लिए हम बोल रहे थे वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोगों को प्यार से जाकर के कैफे पे जाकर के भरवा लीजिएगा, बार बार हमें फोन मत करिएगा कि हाँ सर फॉर्म भरवा दीजिए, तो फॉर्म भरवाने के लिए कॉल मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हमें करनी पड़ रही हैं। आप लोग के लिए बजट भी बढ़ाना है, इकोनॉमी सर्वे भी बढ़ाना है, इतना सारा सिलेबस कराना है, तो समय कम है हमारे पास में। ओके, तो हम देखिए आपकी मदद जितनी भी हो सकती है हम आपकी मैक्सिमम मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फिजिकल हैंडीकैप जो वाले हैं, मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सिंबल का उपयोग किया गया, तो उनकी फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है कि कौन पैर से विकलांग है, कौन हाथ से होगा, कौन हो दोनों पैर से दोनों हाथ से, तो यहाँ पर छूट उसी अनुसार दी जाती है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए कैटेगरी चेंज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, कैटेगरी चेंज के बारे में बताया है कि आप लोग एक बार जब पढ़ जो पीटी का पेपर जब पीटी का जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप जो है ना कैटेगरी है वो चेंज नहीं कर सकते कि एससी से एसटी में जा सकते हैं, एसटी से एससी में जा सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्म भर दिया उसमें वो दे दी, ऐसा नहीं है कि आपने प्रीलिम्स में दूसरी बताई है और फिर मेंस में जाकर के दूसरी कर देंगे, नहीं, इसीलिए ध्यान पूर्वक भरिएगा। इसीलिए यूपीएससी ने भैया पहले ही बता दिया है कि भैया आप लोग नहीं बदल सकते, जो कैटेगरी जो बता दी है वो बता दी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शनल किधर चला गया, कितनी आगे चला गया, देखिए ये जो मार्क्स थे, और हाँ इसमें सिलेबस भी दिया रखा है तो आप लोग सिलेबस भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए ये है इन लैंग्वेजेस में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन लैंग्वेजेस में आप लोग पेपर दे सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदी है, उसके लिए भी देवनागरी पीएलपी है आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक कोकनी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके लिए देवनागरी है, और आपको देखिए इधर मराठी है उसके लिए देवनागरी है, नेपाली है उसके लिए भी देवनागरी लिपि है। लिपि क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जैसे ये बंगाली लिखा हुआ है, गुजराती लिखा हुआ है, देवनागरी लिखा हुआ है, ये जो कन्नड़ है वो लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है किस लिपि में लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं हम हिंदी में, जैसे मैंने पढ़ा बंगाली गुजराती मराठी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन ये लिखा मैं किस में, इंग्लिश में लिखा है, यानी कि ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। इसी तरह से मैं देखिए यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर गुजराती, अब ये क्या हो गया, यही क्या है, ये लिपि है, और जो ये लिपि है ये कौन सी हो गई है आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब देवनागरी लिपि आप लोगों को देखने को मिलेगी। भाषा कौन सी होगी, मैंने जैसे बोला गुजराती, तो ये गुजराती क्या हो गया, हिंदी में बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरह से अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या हो गया,
देवनागरी लिपि हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरह से देखिए इंग्लिश में अगर ये शब्द लिखता हूँ तो ये ग्रीक भाषा हो जाती है। कौन सी हो जाती है? ग्रीक भाषा हो जाती है। तो यही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए बहुत सारी लिपि है, लेकिन इसमें देखिए भाषाएं तो बहुत सारी है, लेकिन लिपि देखिए देवनागरी, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग कौन सी चूज करते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। देखिए इसी तरह से देखिए इधर बोडो है, डोगरी है, लेकिन इधर सब क्या है? देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी लिपि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको स्पेशली आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी का भी नहीं आया है, हिंदी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो शेयर कर देंगे, अभी तो नहीं आया। देखिए इधर ये ऑप्शनल के बारे में दिया रखा है, मीन्स में आप कौन कौन से ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शनल है, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, इनमें से कोई सा ऑप्शनल, एक ऑप्शनल आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्योंकि इसमें और भी दिए रखे, एक और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शनल आप लोग चूज करना चाहते हैं वो आप लोग ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। तो देखिए आप सब कुछ हमने यहाँ पर बता दिया, और देखिए इसमें सिलेबस भी नीचे दिया रखा है, तो आप लोग सिलेबस भी देखना चाहते हैं तो सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस निकलवाना चाहते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस भी निकलवा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, और हर चीज हमने तो यहाँ पर बताई दी आप लोग। चलिए ये लेक्चर को यहाँ पर ही हम फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और चैनल को विजिट जरूर करिए। हाँ, और हाँ आप लोगों के लिए एक चीज रह गई है, देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप लोग जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी कोचिंग भी आप लोगों को ये देखने को मिलेंगी, लेटेस्ट वाली है ये सारी। आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका टेलीग्राम का लिंक है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके,